एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सचिन खंदारे। अब कुछ आने वाले समय में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि निफ्टी के स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी जो विक्स है, इंडिया विक्स, वो अभी 22 के आसपास चल रहा है और ऑप्शन डेटा का एनालिसिस करते हुए हम ये स्ट्रेटेजी एडवाइस करते हैं कि जो पुट साइड पे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो 11,000 के ऊपर एक्युमुलेट हुआ है और कॉल साइड पे 11,500 के ऊपर। तो ये इतनी रेंज है, इस रेंज में निफ्टी ये एक्सपायरी में ट्रेड हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक 11,500 का कॉल बेचा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वीकली कॉल को हेज करेंगे, बाय करेंगे, और पुट साइड में हम 11,000 का पुट सेल करेंगे मंथली एक्सपायरी, और उसको हेज करने के लिए हम 10,900 का पुट बाय करेंगे। तो इस पूरे स्ट्रेटजी को एंगेज करने के लिए हमें 45,000 रुपीज़ का मार्जिन लगेगा। और ये स्ट्रेटजी में आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब निफ्टी 300 पॉइंट कोई भी डायरेक्शन में मूव करेगा, बराबर। और ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी ये स्ट्रेटजी इंटर करने के बाद आपको 5-8% ऑफ आपके कैपिटल का प्रॉफिट दिखे तो आप इस स्ट्रेटजी से एग्ज़िट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।